गाइस ये जगह देखो कितनी डरावनी लग रही है और वहाँ पे ना कुछ लग रहा है हमें, कुछ है वहाँ पे। सो गाइस ये है 37 व्लॉग का पार्ट टू। जिसने पार्ट वन नहीं देखा पहले वन देखें, तभी गाइस आपको मजा आने वाला है इस व्लॉग में। चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग 37 का पार्ट टू। मतलब बहुत ही बढ़िया जगह है गाइस, बहुत ही पैसा वसूल जगह है। आप अपने बच्चों को यहाँ ला सकते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो सुंदर नर्सी इज द बेस्ट प्लेस फॉर किड्स। ये वेरी गुड, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, मेरी वीडियो बनाना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो गाइस आपने देखी होगी मैं व्हील पे कर रही थी तो सीटी बज गई, गार्ड ने कह दिया ये बच्चों का है और मैं फौरन उतर गई। मैं ज्यादा कर नहीं पाई, मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा वो चीज बड़े कर सकते क्योंकि वो बहुत हैवी था। क्या करें अब हम बारे पे भी सीटियां बज रही हैं। समझ रहे हो आप, लेकिन ऐसी वाली कि हमसे कहा जा रहा है ये मत करो आप। मैं थक गई हूँ तो अब मैं बैठती हूँ यहाँ पर, ये जगह बना रखी है, लेट्स सी। और ये वाले झूले भी झूले हैं बच्चे, देखें कितने अच्छे झूले हैं। आज हॉलीडे है तो हॉलीडे की वजह से रश बहुत है तो, लेकिन ये है कि आप इजली घूम सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। रश नहीं होता तो भी खाली खाली बुरा लगता है, बट ऐसा यू कैन रोम अराउंड। Wow! Beautiful! यहाँ पे इन लोगों ने बना रखी है ये भुलभुलैया टाइप, ये देखें ये बच्चे जाते हैं अंदर से, ये देखें कितना प्यारा है। आतू वेट है यार, वेट। तो गाइस अब थक के चूरा हो चुका है बहुत ज़्यादा, मैंने बच्चे भी बहुत, बच्चों के पीछे पीछे ना जाना पड़ता है क्योंकि हयात है ना बहुत छोटी हैं अभी, तो उन्हें झुलाने के लिए ना हमें, मतलब अभी इतने बड़े नहीं हैं बच्चे कि उन्हें ऐसे छोड़ दो और वो खेल लें, बट अब क्या करें बच्चों के लिए करना पड़ता है। बस थोड़ी देर में अब निकलेंगे। यहाँ देखिए मूसा चल गए हैं ट्री हाउस पे और हयात भी चढ़ गई है। हयात लेते हैं उन्हें, हयात को क्यों भेजिए, उसके लिए टफ है, बहुत टफ है उसके लिए। हयात भी चली गई और हयात का पैर निकल जाएगा उसमें से। तो आप मत करो, आप चली होगा हयात बाबू, वापसी आ जाओ, गिर जाओगी। कहती भी रही सवाया से सी वो तो चला वापिस, वो बताए ये पिता से फ्रॉम, ओह माय गॉड। सो गाइस देखें ये आ चुके हैं यहाँ पे, और देखो उन्होंने क्या करा, आधे बच्ची पे मिट्टी फैला दी। कितनी क्यूट है गाइस, देखो कितनी क्यूट है ये अपने कप से ना मिट्टी में खेले, देखो इतना बड़ा इसने किला बनाया है यहाँ पे अपना, इस बच्ची ने बनाया ये छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची ने। मूसा आओ, नहीं लेना चाह रहा है इस बच्ची ने, मिट्टी फेंकी है अभी, मैं शूट नहीं करवाई थी, मूसा उठा के मारने वाला था, हमने से रोका है। बच्चे भी ना बहुत तेज होते हैं। गाइस इनको मजा आ रहा है मिट्टी में खेलने में, देखो सब बच्चे लगे हुए हैं, ज्यादातर बच्चे आपको छोटे हैं नजर आएंगे, देखो। गाइस हम हयात को निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ मिट्टी वाली जगह से, पर ये निकलने का नाम नहीं ले रहा है। हयात आ जाओ, वो इधर जा रहे हैं, इधर रुक जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर रुक जा रहे हैं, देख रहे हैं। हयात कम मिट्टी घुस गई है यहाँ पर्स में, लो देखो फोटो खींचती हूँ, हमने खींचे हैं मूसा के पिक्स, आप उसको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके जरूर देखें। आयशा की दुनिया से गए थे यहाँ से, यहाँ से गया था ये देखें, वो मैं भी जाती हूँ, लेट्स सी आप ना मेरे फोटोज खींच।
जब छोटे थे हम याद है राजघाट पे जाते थे वहाँ पे ऐसे स्लोप्स थे हम वहाँ से भागते थे और तब मजा आता था। बच्चे सारे सुबह फजर में उठ जाते थे मम्मी पापा के साथ या नाना नानी के साथ या किसी न किसी के साथ जरूर हमने राजघाट गए, मतलब अगर पुराने दिल्ली के और दिल्ली से रिलेटेड है वो जरूर गए होंगे। तो मजा आ गया गाइस, चले आए अब एग्जिट कर रहे हैं अब हम। ओके बाय। चले अब यहाँ पे मुझे झूलना ही वाला झूला, लेकिन बहुत भीड़ है, मुझे नहीं लगता मेरा टर्न आएगी, लेट्स सी, बट द प्लेस इज ऑसम गाइस, वेरी ब्यूटीफुल। कितना अच्छा, मतलब पुराना किला सा है ये, पुराना ही है ये बना हुआ है, ये हुमायूं टॉम का हिस्सा है। अच्छा ये हुमायूं टॉम के एरिया में आता है ना, तो इसलिए। ओके देखें कितना थोड़ा सा हॉरर सा लग रहा है यह फोटो खिंचवाना, कितना डेंस एरिया है यहाँ, बिल्कुल ना जंगल वाली फील आएगी, किसी को आना हो ना जंगल में तो यहाँ पर आ। सन्नाटा है, जीप से सन्नाटा है यहाँ पे तो है। बहुत बढ़िया चीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि ये है, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, बट ये देखिए ये इन्होंने ऐसा डिज़ाइन बना रखा है कि पानी खुद ऐसे राउंड होते हुए जा रहा है यहाँ पे, ये देखें। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बहुत प्यारी चीज़ है, ये मुझे लगता है देख रहे हैं करके ये पानी ऐसे करके हमें लगा कि ऐसे जा रहा है, बट ये ऐसे जा रहा है। यहाँ पे ये झील है, देखिए कितनी खूबसूरत झील है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं आराम से। देखिए चलिए चलते, तो गाइस मैं थक गया हूँ, मैं जमीन पे ही लेट गई, मुंह से थक चुके हैं गाइस, लेकिन देखिए मौसम इज ऑसम, मुंह से मौसम कितना अच्छा है ना आज का। अच्छा मजा करा आपने जोन में, गेम जोन में है, और जो ऊपर से आए कैसे लगा, जो ऊपर से आए थे आप कैसे लगा था, बहुत अच्छा लगा, डर लगा था नहीं, नहीं लगा, चलो बढ़िया। अच्छा गाइस इनके पापा गए हैं वहाँ पे, कैंटीन है, कुछ खाने पीने का सामान लेंगे। मूसा वी आर योर स्लीपर्स इफ यू आर गोइंग देयर। कैंटीन से सामान क्या क्या ले आए, अच्छा जी चले खाते हैं, आप लोग भी खाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ आराम से, बैठो नीचे बैठो। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अभी तो क्या खा रहे हो आप? वाओ निकली है, अच्छा लग रहा है। देखिए जो भी हमने खाया है वो कूड़ा हम साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे पोल्यूशन नहीं फैलाना, इतनी प्यारी जगह है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी आप कहीं पे भी जाएं अपने पास ले लें थैली या कुछ रख लें, अपने पास ही रखें, कूड़ा ऐसे कहीं फेंके ना। जा रहे हैं और देखिए यहाँ रात को ऐसे लाइट्स वगैरह जल जाती हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, मतलब आप लोग डिनर वगैरह लेकर आ सकते हो और यहाँ बैठ के आराम से झील के पास खा सकते हो। तो चलते हैं फिर, हम लोग तो इस इरादे से आए नहीं थे कि हमको डिनर वगैरह करना है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से आएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं था यहाँ डिनर वगैरह अलाउड होना ज़्यादातर होता नहीं है, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर प्लान बनाएंगे कि यहाँ फैमिली डिनर करें इंशाल्लाह।
ये देखिए ये जगह बहुत अच्छी है इधर, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी फोटो सेशन आप करना चाहते हो ना तो कर सकते हो। मुझे पीछे रहो, बच्चे मान नहीं रहे, देखो पानी में। ये देखिए गाइस, ये एक सबसे अच्छी फोटो शूट एरिया है। ये देखिए ज़्यादातर लोग, बहुत से लोग डालते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे अपने फोटोज, वो इस जगह के होते हैं। ये बहुत ही प्यारी और खूबसूरत जगह, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसका लुक, देखें यहाँ से, ये देखिए गाइस सुपर ब्यूटीफुल। तो गाइस यहाँ मैंने बहुत अच्छी वीडियोज और फोटोज वगैरह बनाए हैं, वो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, मैं बता भी देती हूँ, आयशा की दुनिया आप लिंक दे दूंगी, आईडी मेंशन कर दूंगी, आप जरूर जाके मुझे वहाँ फॉलो कर लें। अपडेट मैं बहुत डालती हूँ वहाँ पे और छोटी मोटी रील्स वगैरह भी डालती हूँ, जरूर देखें। करते हैं बाय बाय सुंदर नर्सरी को और चलते हैं घर की तरफ, और हमारी स्कूटी यहीं कहीं खड़ी है, आगे खड़ी है हमारी स्कूटी। सो गाइस कितनी डरावनी लग रही है, और वहाँ पे ना कुछ लग रहा है हमें, कुछ है वहाँ पे, कुछ अजीब सा साउंड सा भी आ रहा है। डेंस जगह ही वाली, इसमें इतना डर लग रहा है, और आवाज़ें मैं देखो कोई एडिटिंग नहीं कर रही, आवाज़ वगैरह नहीं लगा रही ताकि मैं आपको सुना सकूँ कितना सन्नाटा है यहाँ पे। देखो ये देखिए गाइस, अभी लाइट तो बंद करो अपनी। ये देखो गाइस थोड़ा सा डेंजर है ये जगह, बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे लग रही है नहीं, बट हाँ बिल्कुल हॉरर वाली फील दे रही है भाई। हमें मिली है ये वैन जायका निज़ामुद्दीन के नाम से, और ये लेडी से चलाती है, मैं उनसे आपसे बात कराती हूँ कि कैसे कैसे और क्या क्या बना। गाइस ये है जायका निज़ामुद्दीन, और यहाँ पे ये है लेडी से, और सब यही काम करती हैं। हेलो हेलो, तो आप बताएं अपने बारे में कि आप लोग कैसे कैसे इसको ऑर्गेनाइज करते हो। आप सब फीमेल्स हो, सब लेडीज हैं यहाँ पे? जी सब लेडीज हैं, और अच्छा। हम 11 लेडीज हैं, और 11 लेडीज मिलके किचन को चलाते हैं। अरे वेरी गुड। होम डिलीवरी का है, पूरे दिल्ली दिल्ली जाता है खाना। अच्छा। हमारे पास एक बॉयज है जो अच्छा। होम डिलीवरी करता है, और हम किचन से टेक ओवर करते हैं। ये आपने कब स्टार्ट करा है? ये 2012 से हमारा, 2012 से स्टार्ट हुआ। तो ये अभी यहाँ पे कब से? यहाँ से तो अभी 4 दिन हो गया हमें। अच्छा, अभी ऐसे तो 3 साल से हमारा ये मार्केट लगता है सुंदर नर्सरी मार्केट पे। अच्छा। और ये शुरुआत हुआ हमारा 6 अगस्त से। 6 अगस्त से अभी जो 6 अगस्त, हाँ, यहाँ अभी रिसेंटली ओपन हुआ है जी। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर आए, इनका जरूर टेस्ट करें। तो आप पे क्या क्या वैरायटी है? वैरायटी तो हमारे पास बहुत है अभी। अच्छा। तो ये अवेलेबल है यहाँ पर। अच्छा। तो गाइस ये मेन्यू है आप देख सकते हैं, और ये यहाँ निज़ामुद्दीन के सुंदर नर्सरी में, और ये सारी माशाल्लाह लेडीजें काम कर रही है यहाँ पे। देखें आप लोगों का यार बहुत बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हो। अपना आपको मीट वगैरह दे सकते हैं या आप अपना ही देते हो? हाँ जी, नहीं वैसे तो हम अपना ही करते हैं, हम रेडी टू ईट बना के देते हैं। अच्छा। लाइक 1 kg निहारी में 1 kg मीट नहीं होता, 800 grams मीट होता, और हम जॉब वर्क भी करते हैं, जैसे कि आप हमें चिकन मटन देंगे उसके अकॉर्डिंग अलग कॉस्टिंग होती है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये लोग हम भी अपना अपना मतलब इनको अपना वो दे सकते हैं, मटन चिकन जो भी है, और ये लोग बना के भी देंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को अगर अपना बना इनको देना है तो ये दे के आप उसका क्या चार्ज है? वो देखिए डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर, वो कॉस्टिंग की जाती है उसके बाद ही। लोगों ने अभी ही स्टार्ट करा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का काम, आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो, आपको अल्लाह पाक सक्सेस दे। और आप लोग जरूर यहाँ पे आए, ये निज़ामुद्दीन में सुंदर नर्सरी पर है, और इनका नाम है जायका निज़ामुद्दीन। चलें हम भी ट्राई करते हैं कुछ। तो आज का व्लॉग करते हैं एंड, आपको होप अच्छा लगा होगा व्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।